हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक फ्लो चार्ट से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है? प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों मेजरमेंट से रिलेटेड होती है। अगर किसी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास उसका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, तो मेजरमेंट क्या होती है? प्रिसाइज। अगर हमारे पास उसकी मेजरमेंट में फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो, तो आप उसको एक्यूरेट कहते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इफ एनी मेजरमेंट हैज लेस लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, देन मेजरमेंट इज प्रिसाइज। लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कम होना चाहिए। अगर फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो, इफ अ मेजरमेंट हैज फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी एंड और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज हैज लेस, देन इट इज एक्यूरेट। अगर किसी मेजरमेंट की फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस हो, कम हो, तो वो मेजरमेंट क्या होगी? एक्यूरेट होगी। अब देखिए, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें हैं क्या? हमने एक मेजरमेंट लिया, ये कोई मेजरमेंट था। अच्छा, उसके अंदर जो हमें वैल्यूज मिली वो कुछ ये मिली, 24.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 24.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास ये जो 0.1 है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अब हमें निकालनी है फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए दूसरी वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू पर आप डिवाइड करते हो, 0.1 डिवाइडेड बाय 24.5, दूसरी को पहले पर डिवाइड करना है। और अगर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है, तो दूसरी को पहली पर डिवाइड करने के बाद आपने इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है? 100 के साथ। डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुने। देखें, इन्हीं दो फार्मूलाज का यूज आगे असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स के जो 5 तरीके हैं उनके अंदर होने वाला है। तो ये 3 बातें गौर से सुने। अगर फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करूँ तो दूसरी को पहली पर डिवाइड कर देना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करूँ तो दूसरी को पहली पर डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करूँ तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है, प्लस माइनस वाले फैक्टर के बाद होता है। बेसिकली ये जो प्लस माइनस का फैक्टर है, ये शो करता है टॉलरेंसेस को। अब टॉलरेंसेस क्या होती हैं? मैंने ऑर्डर दिया, मेरी कंपनी है एक फैक्ट्री को, भाई ये पूरा पेंसिल मैं खुद बनाता हूँ, ये कैप आपने मुझे बना के देनी है। तो ये कैप जितनी भी होगी एक ही साइज़ की नहीं होगी। मैं कहूँगा इधर से लेके इधर तक अगर छोटी बड़ी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे प्लस माइनस 0.1 है ना, तो 24.5 में 0.1 ऐड कर दो 24.6, इसमें से 0.1 माइनस कर दो तो 24.3, तो 23.4 से 23.6 तक अगर ये कैप का डाया है तो मैं इसको ले लूँगा, इसमें ये फिट हो जाएगी। तो टॉलरेंसेज रखी जाती हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज का ये कॉन्सेप्ट आगे जाके डिटेल के अंदर टॉलरेंसेज के टॉपिक के अंदर यूज़ होगा, जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्लासेस में चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दी फाइनल रिजल्ट। मैं बोर्ड को रेस करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दी फाइनल रिजल्ट। इसका जो फर्स्ट है वो है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन, चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं नोट दे रहा हूँ कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से सवाल आएगा, गौर से सुने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से जब भी सवाल आए आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करने। मैं दो रीडिंग्स लिख रहा हूँ, एक्स वन और सेकेंड रीडिंग लिख रहा हूँ मैं एक्स टू। हाइपोथेटिकल सी रीडिंग्स हैं, एक्स वन इज 10.5 और एक्स टू इज 20.7, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मुझे एक्स फाइंड करना है, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। अब आप देखें, नोट को गौर से पढ़ें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या थी? 0.1, 0.1। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस के बाद होती है, तो 0.1, 0.1 को हमने क्या कर देना है, देखें, ऐड करना है। 0.1 और 0.1 क्या हो जाएगा? 0.2। 0.1 को ऐड किया, आंसर क्या आ जाएगा? 0.2। अब 20.7 में से 10.5 को आप माइनस करो, देखो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 20.7 में से 10.5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाना है 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल पॉइंट था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड किया। तो ये फर्स्ट तरीका था फॉर असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट का। नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बोर्ड साफ करना चाहिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट है। हमने वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज फाइंड किया 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट था, एमीटर से जो करंट फाइंड किया 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पीयर था। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज हैं बुक वैल्यू वैल्यूज को मैं यूज कर रहा हूँ। आपको अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई वैल्यूज असाइन कर दी जाती है तो आप उन वैल्यूज के मुताबिक सॉल्व करेंगे। देखिए, आप हमारे पास वोल्टेज है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर रहे हैं हम, बेसिकली जो हमारा फैक्टर है जो हमने फाइंड करना है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नोट देता हूं मैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को आप क्या करते हो? ऐड करते हो। इस नोट को आपने अपने माइंड में रखना है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है क्या। तो पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम वोल्टेज की निकालते हैं, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम करंट की निकालते हैं। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, अब वोल्टेज में निकाल रहे हैं तो फार्मूला बताया था, दूसरी रीडिंग को फर्स्ट पर डिवाइड करना है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई 100, देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, अब दूसरी वैल्यू क्या थी? 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84, इसको भी आपने किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है? 100 से। जब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2%, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6%। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो इक्वल हो जाएगी 8% के। तो अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 8%। अब आप क्वेश्चन राइज होता है, यार इसको ऐड क्यों किया सर ने? क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का फैक्टर आ जाता है। अब कैसे पता चल रहा है कि डिवीजन का फैक्टर आया हुआ है? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस निकालना था, और जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट बाय यूजिंग ओम लॉ। सो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज 5.2 एंड व्हाट इज करंट? करंट इज 0.84। स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 6.19 ओम। अब प्रीवियस थर्ड लेक्चर में आपको राउंड ऑफ पढ़ाया था, और राउंड ऑफ में मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर 5 से बड़ा हो जाए तो हमने प्रीवियस पॉइंट में एक ऐड करना होता है। तो जो 6.19 है
आफ्टर राउंड ऑफ ये चेंज होके हो जाएगा 6.2 ओम विद कितना अनसर्टेनिटी थी स्टूडेंट्स 8% विद 8% अनसर्टेनिटी। अब बिसाइड फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपने क्या करना है 6.2 को देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज रफ वर्क 6.2 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.5। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम्स। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट दैट वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इन असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड थर्ड फैक्टर व्हिच इज पावर फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड इज फॉर पावर फैक्टर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स जब भी पावर फैक्टर आ जाए तो हमने एक नोट देना है कि इसके अंदर पावर से आप मल्टीप्लाई करते हो। पावर को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। डियर स्टूडेंट्स अब पावर क्या है बेसिकली इस केस के अंदर जो हमें बुक के अंदर दिया गया है एक स्फीयर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और जब आप एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हो तो उसका फार्मूला होता है 4 / 3 π r³। डियर स्टूडेंट्स पावर 3 है हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू 0.01 दूसरी को फर्स्ट पर डिवाइड कर रहा हूँ 2.25 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस चीज़ के साथ 100 के साथ तो जो आंसर आ रहा है वो है 0.4% तो 1200 दूसरे को पहली पे डिवाइड किया 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 इसको किससे मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं पी यू स्टैंड्स फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए 0.01 को 2.25 पर डिवाइड करना है देन आंसर क्या आएगा 0.4%। सो अब हमें टोटल अनसर्टेनिटी चाहिए तो टोटल निकालते वक्त मैंने आपसे कहा था पावर क्या है 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है 0.4 तो मल्टीप्लाई के नतीजे में 1.2% हमें टोटल अनसर्टेनिटी मिलता है। अब बेसिक हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि क्या था वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो फार्मूला क्या था 4 / 3 π r³। सो पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.141517 हम 14 तक ही लिख लेंगे 3.14। आर की वैल्यू क्या है 2.25। स्टूडेंट्स वॉल्यूम जब एक स्फीयर का फाइंड करते हैं तो फार्मूला होता है 4/3 π r³। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट की और आर की वैल्यू पुट की आर की वैल्यू हमें बताई गई थी हमने बुक वाले ही यूज़ की हमने इसको सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आर क्यूब हो रहा है क्या चीज़ हो रही है आर क्यूब तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर था तो जो यूनिट है वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब विद कितना अनसर्टेनिटी थी 1.2% अनसर्टेनिटी। मैं कैलकुलेटर की मदद लेता हूँ इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। जब मैंने कैलकुलेटर की मदद ली सॉल्व करने के लिए तो जो आंसर आया वो आया 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी। डियर स्टूडेंट्स हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 9 को राउंड ऑफ किया वो 8 से बड़ा है सॉरी 5 से बड़ा है 9 जब राउंड ऑफ करेंगे तो 8 की जगह पे आ जाएगा 9 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 की जगह पे आ जाएगा 7 तो वी इज इक्वल टू आफ्टर राउंड ऑफ 47.7 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स ये हमने वॉल्यूम निकाला। अब देखिए कितना प्रॉब्लम होगा हर इंसान को जब इस रिलेशन को देखेगा खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2 से फिर उसको 100 पर डिवाइड करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं बिसाइड फ्रॉम दिस क्वेश्चन
47.7 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके 100 पर ना हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब कैलकुलेटर पे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो चीज़ देखने में मिलती है वो आती है 0.6। तो आंसर आता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। डेट वॉज थर्ड फॉर पावर फैक्टर। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्टेप फॉर मेयरमेंट इन मैनी वैल्यूज। देखिए जब काफ़ी सारी वैल्यूज आ जाती हैं ना हमारे पास, एक चीज़ की रीडिंग ली, सैम्पल साइज हमारे पास काफ़ी बड़ा आ जाता है, तो उसके अंदर जो एरर है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो एरर को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने एवरेज फाइंड करना होता है, हम उस चीज़ का एवरेज फाइंड करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे हमने उसकी मीन डेविएशन चेक करनी होती है। ये क्या चीज़ें हैं सब, मैं इनको एग्जांपल से वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड नंबर पे हमने एवरेज ऑफ डेविएशन लेना है। और फोर्थ नंबर पे हमने रीडिंग ले लेनी है। स्टूडेंट्स बेसिकली इट्स नॉट मीन डेविएशन, हमने डेविएशन ही लेनी है। एवरेज डेविएशन, एवरेज ऑफ डेविएशन और फोर्थ पॉइंट पे हमने रीडिंग को लिख देना है। अब हम रीडिंग्स जो हैं वो बुक वाले यूज़ करते हैं, मैं अभी लिख लेता हूँ उनको। हमने बुक के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली। आपको कोई और भी दी जा सकती है पेपर के अंदर। फर्स्ट स्टेप पे हमने इनका एवरेज लेना है। तो एवरेज के लिए हमें इन्हें ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद हमें इन्हें काउंट करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। डियर स्टूडेंट्स ये 6 थे, हमने इसको 6 पर ही डिवाइड करना है। तो आफ्टर डिवाइड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.21। अब ये जो सारी रीडिंग्स थी ना मिलीमीटर के अंदर थी, तो यहाँ पे यूनिट साथ में क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने उनकी एवरेज ली। एवरेज के बाद हमने उसका डेविएशन ले लिया। अब डेविएशन क्या होता है कि मीन वैल्यू से एक रीडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखो ये मीन वैल्यू है और ये सारी क्या है, रीडिंग्स है, हमने डिफरेंस देखना है। अब देखिए हमारे पास जो मीन है वो आ रहा है 1.21 और रीडिंग क्या है 1.20, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 0.01 का। अब 0.22 और 0.21 कितना डिफरेंस हुआ, 0.01। दोबारा चलते हैं 1.21 कितना डिफरेंस हुआ, 0.02 का। 1.19 कितना डिफरेंस हुआ, 0.02 का। 1.22 कितना डिफरेंस हुआ, 0.01 का। 1.21 कितना डिफरेंस हुआ, 0 का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कहीं पे वैल्यू पॉजिटिव आती है कहीं पे वैल्यू नेगेटिव आती है। हमने नहीं लिखना, ना हम वैल्यू को नेगेटिव में लिखेंगे ना हमने वैल्यू को पॉजिटिव में लिखना, बस सिंपल नंबर लिखेंगे। डेविएशन सिर्फ यही बताता है कितना फ़र्क है, पॉजिटिव नेगेटिव का बारे में हमने जाना ही नहीं होता। तो ये हमें पता चल गया कि इतना इतना डिफरेंस है इस मीन वैल्यू का इन सब रीडिंग से। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हुआ, डैट वाज अबाउट डेविएशन। अब आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो एवरेज ऑफ डेविएशन है। अब इस जो डेविएटेड वैल्यू थी हमने इसका एवरेज लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इन सब को ऐड करना है, इन सब को हम ऐड करते हैं और आफ्टर ऐड करने के हम इन सब को डिवाइड कर देंगे। किस चीज़ के ऊपर, 6 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स आप अपने कैलकुलेटर्स पे इसको ऐड करो और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप चेक कर सकते हो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर्स। लास्ट स्टेप पे आपने रीडिंग लिखनी है, तो रीडिंग के लिए पहले पहले कौन सी वैल्यू लिखते हो आप, मीन वैल्यू, और उसके बाद प्लस माइनस में आपने क्या लिखनी होती है, डेविएशन वाली वैल्यू, डेट इज कॉल्ड रीडिंग। सो ये सेकेंड लास्ट था फॉर मेयरमेंट इन मैनी वैल्यूज। लास्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, लास्ट है फॉर असेसमेंट इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। हमने मैकेनिकल स्टॉप वॉच लिया, मैकेनिकल स्टॉप वॉच से हमने एक पेंडुलम का नोट करना है टाइम पीरियड, 54.6 सेकेंड है जो
30 वाइब्रेशन के ऊपर, 30 वाइब्रेशन एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 54.6 सेकंड में कंप्लीट करता है। हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो जब आप इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हो तो टाइम पीरियड के लिए आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। टाइम को डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे। जब टाइम को आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करते हो आंसर आ जाएगा 1.82 सेकंड्स। स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड था। अब हमने अनसर्टेनिटी निकालनी थी ना, तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी के लिए फार्मूला है, तो अनसर्टेनिटी जब निकालें तो उसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट को आप डिवाइड करो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच से, तो एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेकंड। वो एक सेकंड को 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 1/10 उसका लीस्ट काउंट क्या हुआ 0.1। इसको डिवाइड करना है वाइब्रेशंस में, वाइब्रेशंस कितनी है 30, तो जब 0.1 को आप 30 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 0.003 सेकंड। तो जो अनसर्टेनिटी के साथ फाइनल रीडिंग आएगी टाइम पीरियड की वो हो जाएगी 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स डेट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर जिसमें हमने असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के 5 तरीकों को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।